हाय गाइस, वेलकम टू द नेचुरल एंगल। माय नेम इज हितेश और इस वीडियो में आपको ले चलूँगा संजय डुबरी नेशनल पार्क, विच इज़ इन मध्य प्रदेश। अब संजय डुबरी नेशनल पार्क आते कैसे हैं, कितने कॉस्टिंग वगैरह लगती है और बाकी डिटेल क्या है, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। सो संजय डुबरी पहुँचने के लिए आपको पहुँचना पड़ता है जबलपुर, जो सबसे मेजर स्टेशन पड़ता है। रेवा एक स्टेशन भी पड़ता है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा ट्रेन्स नहीं जाती हैं। तो जबलपुर के लिए दिल्ली से ओवरनाइट ट्रेन्स चलती हैं, मैंने वही ली थी और अराउंड 7 o'clock इन द मॉर्निंग वी रीच जबलपुर रेलवे स्टेशन। सो जबलपुर से संजय डुबरी का डिस्टेंस पड़ता है अराउंड 250-260 किलोमीटर्स एंड टाइम लग जाता है लगभग 6 घंटे। तो हम रुके अपनी थर्ड और आई थिंक लास्ट ब्रेक पे। अभी भी हमें लगभग 2-2.5 घंटे और लगेंगे संजय डुबरी तक पहुँचने के लिए। जहाँ पर हम लोग खाने के लिए रुके वो जगह थी MPT, मतलब मध्य प्रदेश टूरिज़्म का बनाया हुआ एक रेस्टोरेंट। इट इज़ अ वेरी वेल मेंटेन रेस्टोरेंट, अच्छा है, इंटीरियर्स भी अच्छे हैं, खाना भी अच्छा है, स्टाफ भी अच्छा है, प्लस बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस वगैरह भी है। तो इट्स नॉट लाइक कि आप किसी भी लोकल ढाबे पे रुक के खा रहे हो, इट्स अ प्रॉपर थिंग कि आपको हाइजीन का भी ध्यान रखना है। संजय डुबरी में 2 सफारी होती हैं, फुल डे सफारी नहीं होती है। इवनिंग सफारी होती है 3:30 बजे से, आपको गेट पर पहुँचना होता है, 4 बजे स्टार्ट होती है एंड 7 बजे तक होती है। मॉर्निंग सफारी का टाइमिंग अच्छा है, वो 5:45 पर स्टार्ट होती है और 11 बजे तक चलती है, तो मॉर्निंग में आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है। हम आज इवनिंग की सफारी करेंगे एंड देन कल मॉर्निंग की इवनिंग की सफारी करेंगे, मतलब कल 2 सफारी करेंगे एंड देन उसके नेक्स्ट डे हम 1 सफारी करेंगे। इन सफारीज में क्या मिलता है क्या नहीं, वो तो ऑब्वियसली आई विल शेयर विद यू ऑल। 6 घंटे की जर्नी कम्प्लीट करने के बाद हम लोग पहुँचे श्री साईं गेस्ट हाउस। ये एक जंगल के बीच में ही एक तरीके से प्रॉपर्टी पड़ जाती है। आसपास की लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है। ये कुछ फील्ड्स हैं प्रॉपर्टी पे पहुंचने से जस्ट पहले, और कहते हैं कि रात को इन्हीं फील्ड्स में मॉटल वुड आउल और ईगल आउल मिलते हैं, लेकिन और हाँ इंडियन ग्रे वुल्फ के मिलने के भी चांसेस रहते हैं, लेकिन हमें इतना टाइम नहीं मिल पाया कि हम इन एरियाज़ को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ। जबलपुर से निकले हुए मुझे 6 घंटे हो गए हैं एंड नाउ फाइनली हेयर आई एम इन द मिडल ऑफ नोवेयर। अच्छे खासे रूम्स हैं, लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, आउल्स की साइटिंग यहाँ पे काफ़ी रहती है, मोटेड वुड आउल, बान आउल वगैरह, वो सब तो आपको शाम को या रात को दिखेंगे, अभी तो नहीं। अभी मैं आपको प्रॉपर्टी का ओवरव्यू दिखाता हूँ। ये यहाँ के रूम्स हैं, अभी हम लोग यहाँ पे अपना लंच करेंगे देन वी विल लीव फॉर पेमेंट सफारी। और ये सब ऑर्गेनाइज करवाने वाले मेरे साथ हैं अजान भाई। हेलो सर, हेलो, हाउ आर यू, वेलकम टू संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। सर के साथ बहुत बातें करनी है, इनसे रिलेटेड मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा एक सफारी में आपके साथ ही करूं, इसमें हम काफी चीजें शेयर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे एंड देन आई विल शेयर द सेम। डेफिनेटली। अभी ये है, अभी बस हम निकल रहे हैं क्योंकि भूख लग रही है, लंच करेंगे एंड देन वी विल लीव फॉर द सफारी। सो मेरे साथ है वरुण सर और पीछे अनुज, अभी आएंगे ये सारे वीडियोस में बाद में। अब हम निकल रहे हैं जंगल के लिए और अपनी पहली सफारी के लिए। अभी हम निकले हैं अपनी सफारी के लिए, पहली सफारी है, बाकी अभी हमें इसके अलावा 3 सफारी और करनी है जी। और मेरे साथ हैं अजीत मिश्रा जी एंड सर, आप तो कितने टाइम सफारी वगैरह करवाते हुए? सर संजय डुबरी में जब से सफारी स्टार्ट हुई है तो लगभग 2015 से यहाँ पे मेरी पहली जिप्सी है। अच्छा। जो कि संजय डुबरी में पहले कोई भी सफारी नहीं होती थी। 2015 से मैं कंटिन्यू यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ संजय टाइगर रिजर्व में, और अभी तक में जो भी टाइगर रिलोकेट होके यहाँ पे शिफ्ट किए गए उनकी पूरी जनरेशन को मैंने देखा है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, और अभी संजय डुबरी में जो सबसे फेमस होने का कारण है वो T28 है हमारे यहाँ। अच्छा। T28 जो है वो T11 हमारे यहाँ एक मदर टाइग्रेस है संजय डुबरी की, कमली उसको हम लोग बोलते हैं, वो बांधवगढ़ से शिफ्ट की गई थी संजय डुबरी में जब वो ऑर्फन कब। अच्छा। हाँ, उसको वाइल्ड बनाने के लिए रिवाइल्ड का जो प्रोसेस होता है वो डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया था इंक्लोजर में। उसके बाद संजय डुबरी में टाइगर की जनरेशन आगे बढ़ी और कमली जो टी लेवल है वो गमेरा और
का जो कनकट्टी टाइग्रेस थी उसका कब से ये ऑर्फन कब से ये? अच्छा ये तो वहाँ पे ना शायद बांधवगढ़ में थे ये, तो वहाँ से ये जो ये T11 हमारे यहाँ शिफ्ट की गई थी ये उन्हीं का कब से है। गेस्ट हाउस से निकलने के बाद संजय टुबरी टाइगर रिजर्व के मेन गेट तक पहुंचने में आपको लगेंगे 15 से 20 मिनट। जर्नी अगेन नॉर्मल जर्नी है, एक बहुत ही अच्छा सा फॉरेस्ट वाला आप एरिया पार कर रहे हो, बीच में कुछ विलेजेस वगैरह पड़ रहे हैं वो आप पार कर रहे हो, एंड देन यू विल रीच संजय टुबरी टाइगर रिजर्व। किसी भी दूसरे टाइगर रिजर्व की तरह इसमें भी जब आप यहाँ पर पहुँच जाते हो उसके बाद आपके परमिट चेक होंगे, आपकी टिकट चेक होगी, आपका ID चेक होगा, उसके बाद ही आपको अंदर जाने की परमिशन मिलेगी। सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपको अंदर एंट्री मिलती है। मेरे को पूरा एक साल हो गया था किसी भी टाइगर रिजर्व में विज़िट किए हुए। एक साल पहले मैं गया था ढिकाला में और उसके बाद अब मैं हूँ यहाँ पे संजय टुबरी टाइगर रिजर्व में। यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि आप जब एंटर कर जाते हो उसके बाद कुछ किलोमीटर्स आपको कवर करने होते हैं, उसके बाद जाके आपका मेन कोर एरिया स्टार्ट होता है। कहा यह जाता है कि संजय टुबरी में 42 टाइगर्स हैं इस टाइम पे, और जो इसका लैंडस्केप है वो अपने आप में बहुत सुंदर है, और जो इसका एरिया है मैंने सुना है कि ये बांधवगढ़ से भी बड़ा है। हो सकता है आई मे बी रॉन्ग, बट ओवरऑल जितना हमने एक्सप्लोर किया चार सफारी में, जितना हम लोग घूमे, मेरे को लगा कि हाँ ये एरिया बहुत बड़ा है। एक जर्सी पीछे लगा रहे हैं जहाँ पे टाइगर गिरने के चांस है, और दूसरी जर्सी हमारी जो है वो हम आगे जाके ट्रैक करके देख रहे हैं अलग पॉइंट से वहाँ से कौन आया। अभी जब हम एक टाइगर को ढूंढ रहे थे और हमें लग रहा था कि वो मिस हो गया, देन वी सॉ अनदर टाइगर जो अभी पीछे बुशेस में बैठा है, उसकी वीडियोज एंड फोटोज ले लिए हैं। अभी कॉल चल रही है एंड दे आर होपिंग कि दो टाइगर्स और भी यहाँ से क्रॉस करेंगे। सो नाउ वी आर वेटिंग फॉर देम, अगर आते हैं तो। और फिर वही हुआ जिसका हमें वेट था, टाइगर आया, टाइगर ने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद वो एक जगह जाके बैठ गया, और जब हमें लग रहा था कि शायद बस हमें यही मिलेगा एक टाइगर, हम इसी में खुश हो गए थे, तभी हमें कुछ और ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिली, जैसे कि ये। सो टाइगर तो हमें अभी अच्छे मिल गए, सफारी में ही हमें 3-4 टाइगर देखने को मिल गए, और भालू और टाइगर की लड़ाई की आवाज़ भी हमने सुनी, लेकिन हमें वो शॉट या कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं, क्योंकि वो जंगल के नाले के अंदर से आवाज़ आ रही थी, हमें कुछ मिल नहीं पाया। बाकी अभी हम रुके हैं, बस अब निकलेंगे थोड़ी देर में। फर्स्ट सफारी, फर्स्ट शो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। अभी 3 सफारी और हैं, एंड टुमारो इट विल बी अ न्यू डे, सो देखेंगे क्या मिलता है।